रोग से मुक्त रहें और स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबके घर में लक्ष्मी का भंडार भरे, उसके लिए जो अपन अनुष्ठान करेंगे एक घंटे, उसमें प्रयास करना आप भी कि सफेद मिट्टी अगर ब्राह्मण हो तो श्वेत, वैश्य हो तो पीली, क्षत्रिय हो तो लाल, शूद्र हो तो काली, काली मिर्ची को पीस कर उसमें थोड़ा थोड़ा भाग आपको मिलाकर उसको मलकर फिर शिवलिंग का निर्माण कर अपने घर में रखना। जब 7 बजे पूजन चालू हो उससे पहले आप निर्माण कर लेना, और निर्माण करने के बाद फिर पूजन का स्मरण करना। कोई ने प्रश्न किया है इन पर्चों में है कि गुरुदेव हमें प्रश्न ये है कि हम सावन के महीने में जो शिवलिंग बनाते हैं उसको मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, तो क्या हम उसको रात भर रख सकते हैं कि विसर्जन करना होता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, केवल शिवरात्रि का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन आप रात्रि को अभिषेक करो, रात्रि को पूजन करो और रात भर शिवलिंग को रखकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप विसर्जन करो। एक शिवरात्रि, दूसरी हरतालिका तीज। एक शिवरात्रि, दूसरी हरतालिका तीज, जिस दिन भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे 6 बजे आपका जब भाव उत्पन्न हो जाए 4 बजे आप उठकर उसको फिर विसर्जन कर। पर बाकी के दिनों में अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, बाकी के दिनों में अगर आप शिवलिंग बनाते हैं, तो प्रयास करना कि आप रात्रि होने से पहले पूजन कर विधान कर उसका विसर्जन कर दें। केवल इसलिए ये जो शिवरात्रि का दिन लिया है, इसीलिए लिया कि दुकान से लोग फ्री हो जाएं, रात्रि का समय, शिवरात्रि का दिन, श्रावण का महीना, आप लोग आनंद पाए और उसका अभिषेक पूजन कर उसका सुख पाए, श्रावणी शिवरात्रि का आनंद पाए। पर बाकी के समय पर अगर आप शिवलिंग बनाते हैं तो उसको रात्रि से पहले विसर्जन करना है। बाकी के रात भर नहीं रखना है, भले श्रावण के महीने में बनाए उसका भी हमें मना नहीं है, पर बनाए तो रात के पहले उसका विसर्जन होना चाहिए। शिव जी का विसर्जन, शिवलिंग का विसर्जन, पूजन करो, अर्चना करो, अभिषेक करो, अनुष्ठान करो, सब करो विसर्जन। तो माता पार्वती को शिवलिंग का निर्माण करना अगर कोई सिखा रहे हैं तो तुम रुका जी सिखा रहे हैं।